आज हम एक केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए हमको कुछ क्रिस्टल्स चाहिए पोटेशियम आयोडाइड के, कुछ क्रिस्टल्स चाहिए लेड एसीटेट के, दो खाली बीकर चाहिए और एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए पानी से भरा हुआ। सबसे पहले हम लेड एसीटेट का एक घोल बनाएंगे। इस घोल को बनाने के लिए आप लेड एसीटेट के कुछ क्रिस्टल्स को एक खाली बीकर में डालें। इस बीकर के अंदर थोड़ा पानी भी डालें और इस घोल को हिलाते रहें तो आपको एक दूधिया रंग का लेड एसीटेट का घोल मिल जाएगा। इसी तरह से हम पोटेशियम आयोडाइड का भी घोल बनाएंगे। एक बार फिर से पोटेशियम आयोडाइड के कुछ क्रिस्टल्स को एक खाली बीकर में डालें, उसमें थोड़ा सा पानी भी डालें और इस बीकर को हिलाते रहें जब तक पोटेशियम आयोडाइड पूरी तरह पानी में घुल ना जाए। अब पोटेशियम आयोडाइड का घोल एकदम ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पानी जैसा होगा, जबकि लेड एसीटेट का घोल दूधिया होगा। अब लेड एसीटेट के घोल को आप पोटेशियम आयोडाइड में डालें तो एक बिल्कुल विचित्र बात होगी, एकदम आपको पीला रंग दिखाई देगा, गहरा पीला। ये एक येलो प्रेसिपिटेट होगा। यहां पर आपको दो तह दिखाई देंगी, जो निचली वाली तह है, थिक जो लेयर है वो है लेड आयोडाइड की, और जो ऊपर तैर रही है तह बिल्कुल पानी जैसे, वो है पोटेशियम एसीटेट की।